फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस राबड़ी, जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है और ये राजस्थान की फेमस समर ड्रिंक मानी जाती है। और इसको बनाने के लिए हमने बाजरे का आटा और चावल का यूज़ किया है। आपने हर बार बाजरे का आटे का ही यूज़ किया देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको चावल के साथ बाजरे की आटे के साथ चावल के साथ बना के दिखाऊँगी। तो ये देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए, क्यों ये बहुत कम बनाते हैं चावल की राबड़ी, तो आज मैं आपको चावल की राबड़ी बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने बाजरे का आटा लिया है, दही लिया है, चावल और नमक। अभी हम सबसे पहले बाजरे को और दही को इसमें खट्टा ओल लेते हैं। हमारे इसको खट्टा ओलना बोलते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लस्सी और आटे को मिक्स कर देते हैं। तो मैंने वो दही का लस्सी बना लिया, तो ये देखिए मैंने पानी डाल के इसका लस्सी बना लिया, तो इसमें हमने डाल दिया है। तो इसको हमें पेस्ट बनाना है। जितना हमने आटा लिया है उससे दुगना हमें लस्सी लेनी है, आप इसका इतना ध्यान रखना है। और इसको अब आप हाथ से भी हिला सकते हो, मिला सकते हो, अच्छे से फेंट सकते हो। मैं इसको मिक्सर से फेंट रही हूँ, इससे भी आसानी से फेंटा जाता है। और इसको हम 3-4 मिनट के करीब इसको लगातार ऐसे ही फेंटते रहेंगे, जिससे क्या होता है बहुत ही टेस्टी राबड़ी बन के रेडी होगी। इसमें बस यही याद रखने की बात है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको हमने, मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं इसको फेंटते हुए। ये देखिए अच्छे से हमने इसको फेंट लिया, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपका पेस्ट थोड़ा पतला हो जाए ज़्यादा है, तो आप ऊपर से आटा डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें ऊपर से आटा लिया है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट आएगा। इसको रेस्ट के लिए हम छोड़ देते हैं। तो देखिए अभी इसको 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा। और इसको हम अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी बता रही हूँ, मैंने इस टाइम पानी ठंडा यूज़ किया है। अगर आपके घर धूप नहीं निकल रही है तो आप पानी गर्म का यूज़ कर सकते हो। गर्म पानी डाल के इसको 6 घंटे के लिए रख सकते हो, लेकिन मेरे घर में धूप आ रही है तो मैं धूप में रख दूंगी इसको 6 घंटे, मुझे गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप नहीं आए तो वो गर्म पानी करके, इसमें ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, नॉर्मल गर्म पानी करके इसको 6 घंटे के करीब रख सकते हो। तो मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ठंडा पानी डाला है। तो देखिए मेरी बालकनी में अच्छे से धूप आ रही है, तो इसको मैं 6 घंटे इधर रख के छोड़ूंगी। और शाम को इसको मैं राबड़ी बना के आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। और अगर धूप नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप गर्म पानी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि उससे भी ये खट्टा बोलते हैं उड़ जाता है, खट्टा हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए शाम हो गई है, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए पूरा आटा नीचे चला गया है, पानी पानी ऊपर बचा है, आप देख पा रहे हो। अभी हमें बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि हमें राबड़ी बनाते शाम राबड़ी बनाते तो ये पूरा ऊपर के ऊपर गिर जाता था, हमें बड़ा बर्तन ही लेना है। तो अभी छलनी से ऊपर वाला हम पानी निथार लेंगे, छान लेंगे, और नीचे वाला आटा हम इसको छोड़ देंगे। देखिए ऊपर से पानी पानी आ रहा है, जब आटा आना शुरू हो जाए तो हम इसको रख देंगे। तो ये देख, आप देख पा रहे होंगे ये आटा हमारा नीचे रह गया है। ये देखिए इसको हम अलग कर देंगे, अलग रख देंगे, और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। ये देखिए इतना कचरा निकला है इससे, क्योंकि हम अगले दिन हमें इसको छानना नहीं है, सीधा हमें दही में या लस्सी में मिक्स करना। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा के गैस पर चढ़ा देंगे और गैस को फुल करके इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और ये हम इसको अलग कर देंगे, बॉईल करने के बाद, चावल पकने के बाद हम इसको पेस्ट को डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। चावल आप कितना भी ले सकते हो, 2 केजी में 1 मुट्ठी भी ले सकते हो, 2 मुट्ठी भी ले सकते हो, जिससे आपको कितनी गाढ़ी चाहिए उतना आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो ये देखिए मैं राबड़ी में उबाल आ गया है, तो मैंने चावल डाल दिया, इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। और पानी और इसको धो के कटोरी को हमने डाल दिया है, और अच्छे से हम इसको बॉईल कर लेंगे, आप देख रहे होंगे। तो हमें हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको अभी नमक भी हम डाल देंगे। हमने गैस इस टाइम मीडियम कर दिया, क्योंकि नमक डालते टाइम ये पूरा ऊपर आ जाती है। तो हमने नमक डालते समय हमें गैस को कम ही रखना है, ताकि वो नीचे ना गिरे उफन के। तो हमने ढक्कन लगा दिया है, इसको ढक्कन लगाने के बाद देखिए ये उफन रहा है, तो हम ढक्कन खोल देंगे। और ये देखिए चावल एकदम ऊपर आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, थोड़े पक गए हैं, 50% पक के रेडी हो गए हैं। तो अभी हम इसको 2 मिनट के करीब इसको खुला पकाएंगे, क्योंकि ढकने के बाद ये पूरा ऊपर आ रहा है, आपको दिख रहा है पूरा नीचे गिर गया है।
मैंने ढक्कन लगाया था, पूरा नीचे गिर गया था। हम इसको खुले में ही पकाएंगे तो ये देखिए कितना अच्छे से पक रहे हैं। तो ये पक्के रेड चावल हमारे पक्के रेडी हो गए हैं। तो अभी ये मैंने जो आटा बचा हुआ था नीचे वाला, तो अभी हम इसको ऐसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे। ये बॉईल हो रहा है पानी, इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और हम पानी इसको डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो पानी हमें और डालना है। ये देखिए हमने और पानी डाल देंगे, अभी हम एक गिलास पानी और डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये। अगर आपको कम गाढ़ी चाहिए तो आप चावल और आटे की मात्रा कम कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, अभी थोड़ा और पानी डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से राबड़ी बन के रेडी हुई है। आप इसको रात को भी पी सकते हो, लेकिन हम इसको दिन में ही पीते हैं, सुबह इसको रेडी करते हैं। राबड़ी दही मिला के रेडी किया जाता है इसको। तो ये देखिए राबड़ी अच्छे से हमने और पका लिया है, क्योंकि आटा अच्छे से पक चुका है। 2 मिनट के पानी डालने के बाद हमने 2 मिनट और इसको पका लिया है। अभी हमारी राबड़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे और पूरी रात ऐसे ही पड़ी रहेगी। आप रात को भी पी सकते हो और अगले दिन सुबह हम इसकी राबड़ी तैयार करेंगे पीने के लिए। तो ये देखिए हम छोड़ देते हैं इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगली सुबह हो गई है, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए इस टाइप की बन जाती है, कि हमने गाढ़ी राबड़ी बनाई है तो इस टाइप की ये हो जाएगी। तो अभी हम एक बर्तन लेंगे, तो इसमें हम चम्मच से राबड़ी को डाल देंगे। जितना हमें तैयार करना है उतना हम डाल देंगे, जैसे 2 गिलास तैयार करने हैं, 3 गिलास तैयार करने, उसी के हिसाब से हम डाल देंगे। तो ये हमने 1 कटोरी के करीब इसमें राबड़ी डाल दिया, आप देख रहे होंगे। अभी हम लस्सी, 1 कप लस्सी का डाल देंगे। देखिए इसमें हमने पानी कम मिला है, एकदम गाढ़ी लस्सी है, छाछ भी बोल सकते हो आप। इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे दाल घोटने से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम इसमें मिक्सी से मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम मिक्सी से मिक्स करेंगे तो चावल हमारे पिस जाएंगे, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और इस तरह हम दाल घोटने से अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह बनाओगे तो सुबह सुबह आप इसको नाश्ते करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको गर्मियों में खूब पीना चाहिए, बहुत ही टेस्टी आता। तो इसमें देखिए मैंने प्याज डाल दिया है सर्व करने के लिए। अभी इसमें हरा धनिया, वो सॉरी, ये जीरा डाल देंगे भुना हुआ। आप हरा धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैं जीरा डाल रही हूँ भुना हुआ। आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए मैंने घोटने से अच्छे घोट लिया है। अभी हम सर्विंग बाउल में इसको सर्व करते हैं। तो देखिए मैं सर्विंग बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे। आप गिलास में भी इसको डाल सकते हो, पी सकते हो, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि राजस्थान में इसी तरह पिया जाता है, इसी में अच्छा लगता है। तो आप ट्राई ज़रूर करना है। तो इसमें थोड़ा हम जीरा छिड़क देंगे और ये बहुत ही अच्छी राबड़ी बनके रेडी हो गई है। आप ट्राई ज़रूर करना और गर्मियों में एंजॉय करना। अगर आपने एक बार आपने बना लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बार बार बना के पियोगे। तो अगर इस तरह आप अगर बना के पी ली तो बहुत ही टेस्टी बनती है और गर्मियों में पेट को भी बहुत ठंडा रखती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।